हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू लिसन अ स्टोरी फ्रॉम मी कि मेरी 6 कंपनियां बंद हो चुकी है और मेरे पापा ने मुझसे पूछा कि बेटा कब तक और गिफ्ट मैंने दो इस बार प्रॉमिस किए आपको एंड लेट्स डाइव इन। जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ उसमें एक चीज का ध्यान रखिए कि आप क्रिएटिव इसको तोड़ने मरोड़ने में मत दिखाइएगा क्रिएटिविटी। आप इसको एज इट इज फॉलो करना जो मैं बता रहा हूँ क्योंकि इट वर्क्स फॉर मी, इट विल वर्क फॉर यू। आप क्रिएटिविटी उसके कॉन्टेंट में बना सकते हो, दे सकते हो, एक्सप्रेशन में दे सकते हो, आप उसके कम्युनिकेशन में दे सकते हो, जो आप बात व्यक्त करोगे उसमें आप क्रिएटिविटी दिखाओ। जो फॉर्मेट में दे रहा हूं कि पहले ये करना फिर ये करना फिर ये करना, उसमें प्लीज डोंट शो योर क्रिएटिविटी। सबसे पहले स्टोरी ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ हुक, एक हुकिंग स्टेटमेंट होनी चाहिए जिससे एकदम से आप उसका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर पाओ। उसके बाद स्टोरी का फॉर्मेट कैसा रखना है। हम सबकी लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आता है जो कि बड़ा आया होगा, जो कि बड़ा सैड या हो सकता है इमोशनल, और इमोशन का मतलब सिर्फ सैड नहीं होगा, शॉकिंग भी हो सकता है। So, ऐसा एक मोमेंट जो कि बड़ा ही आपके लिए इमोशन से भरा हो, आपको उस मोमेंट के बारे में स्टोरी बतानी। नाउ स्टोरी बताने का तरीका बता रहा हूं, ये स्टोरी टेलिंग वर्कशॉप भी समझ सकते हो इसको, ठीक है। कैसे आपको शुरू करना है, आपको वो जो पॉइंट था, इमोशनल पॉइंट था, उससे 5 मिनट पहले क्या कर रहे थे आप, वहां से शुरू करना, और उसके बाद फ्रेम बाय फ्रेम लेकर जाना है उस मोमेंट तक जब वो घटना घटी आपके साथ, और उसके बाद आपको अपनी हीरोज जर्नी बतानी है। वी आर ऑल ह्यूमंस, मूवीज कैसे बनती है, हीरोज हीरो की जर्नी होती है कैसे। आप कोई भी मूवी उठा के देख लो, आयरन मैन, स्पाइडरमैन, कैप्टन अमेरिका, पहले वो दुबला पतला था, उसकी लाइफ में इतना सब बुरा चल रहा था, इतना सब कुछ खराब होने के बाद फिर वो मोमेंट आया और उसके बाद वो हीरो बन गया, तो वो एक हीरो जर्नी है। सो इस तरीके की आपकी एक हीरो की या हीरोइन है तो हीरोइन की जर्नी होगी, और फिर उसी में आप बताओगे कि क्या आपने सीखा, और CTA देना मतलब कॉल टू एक्शन कि अब आगे मैं क्या करूं, ये जानकारी मिल गई अब इसका मैं करूं क्या। क्लियर? हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू लिसन अ स्टोरी फ्रॉम मी, लिसन टू दिस केयरफुली एंड ट्राई टू टेक नोट्स इफ पॉसिबल। फर्स्ट लिसन देन टेक नोट्स, ओके। सो साल था 2014 और टाइम था होली का, और होली के फेस्टिवल पे मेरा हमेशा का रूटीन था कि मैं घर जरूर जाता था, और मैं घर जा रहा था, लेकिन घर जाते समय मैं जस्ट सोच रहा था अपनी सिचुएशन के बारे में, मुझे ऑलरेडी बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि उस समय भी सिचुएशन ऐसी थी कि मेरे 6 कंपनियां बंद हो चुकी थी, उसमें मुझे लॉस हो चुका था, और करंटली जो मैं कंपनी चला रहा था वो भी लगभग 30 लाख रुपये का लोन ले चुके थे और 70 लाख का डेट। बट इस सब के बाद भी जो मेरा पार्टनर था मेरे साथ में उस बिजनेस में, वो सीखने को तैयार नहीं था, और मैं कुछ भी सीख कर भी आता था और अप्लाई करने की कोशिश करता था तो मेरे जो टीम मेंबर्स थे वो मुझे अंडरस्टिमेट करते थे, मेरे पीछे हंसते थे मेरे ऊपर। और जब मैं और ये चीज़ मुझे मैं जानता था, और वो क्यों सुनते थे मेरे पार्टनर की, क्योंकि जाहिर सी बात है वो उम्र में मुझसे बड़ा होने के नाते प्लस उसके स्टेक्स ज़्यादा थे कंपनी, लेकिन इस सब के बाद भी हम आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, और ये सब ने मेरे दिमाग में इतना टेंशन क्रिएट कर दिया था, इतना फ्रस्ट्रेशन क्रिएट कर दिया था कि हर बात पे मुझे गुस्सा आने लग गया था। और उसी साल मेरे एक बड़े पापा की भी डेथ हो गई थी, और मैं लिटरली जो ट्रैवल कर रहा था, जो खा रहा था, हर चीज मेरे घर वालों के पैसे थे, और मेरे पापा ऐसे सिचुएशन में मैं घर वालों से पैसा ले रहा था जब मेरे पापा 6 साल से कोई इनकम कमा भी नहीं रहे, उनका बिजनेस डाउन चल रहा था, उनको कोई पैसे नहीं आ रहे, हम सेविंग से खा रहे। मैं घर गया, घर पहुंचा, घर पे सामान रखा, घर वाले देखकर मुझको बहुत खुश थे, हम लोग बैठे, नाश्ता आया, नाश्ता खाते खाते ही बात निकली, और मेरे पापा ने मुझसे पूछा कि बेटा कब तक और कब तक इसी तरह चलता रहे, और उन्होंने फिर से पैसे का टॉपिक लेकर, ऐसे मैं पापा को बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन ऐसे पापा को जिनको मैं इतना प्यार करता हूँ, मैं चिल्ला पड़ा, मैं गुस्सा गया, मैं बहुत गुस्सा आया, और इतना गुस्सा आया कि मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हो गया, मेरी बॉडी अकड़ गई। वो पापा जिनको शुगर की प्रॉब्लम है, जिनको बीपी की प्रॉब्लम है, जिनको हार्ट के पेशेंट है, मैं उन पे चिल्लाया। उस दिन मेरी माँ रोई थी, उनको रोता देखकर एक डिसीजन लिया मैंने उस दिन अपनी लाइफ में, कुछ भी हो जाए
अपनी लाइफ में इतना इतना बुरा नहीं होने दूंगा, क्योंकि तब मैं ना कोई मुझे पसंद नहीं करता था, इवन मैं खुद को पसंद नहीं करने लगा। और जिस दिन वो जब मैंने डिसीजन लिया तो उसके बाद मैंने कमिट किया अपने आप को और सीखने में, जो बिजनेस में मैं अटका हुआ था उससे बाहर निकल के नया बिजनेस स्टार्ट करने में। और फिर मैंने मिशन बनाया कि कुछ भी हो जाए मैं अब लोगों की मदद करूंगा, और उसके लिए आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा मिशन है 10,000 लोगों की मदद करना प्रॉफिटेबल और हैप्पी होने के लिए अपने बिजनेस में। और इसके लिए मैंने एक प्राइवेट ग्रुप बनाया है, फेसबुक ग्रुप, जिसमें मैं हेल्प कर रहा हूँ रेस्टोरेंट ओनर्स को, फूड इंडस्ट्री को, क्योंकि ये टफ टाइम है, लॉकडाउन है, रिसेशन है। और अगर आप एक रेस्टोरेंट ओनर हो और मेरी स्टोरी से रिलेट करते हो और आप सीखना चाहते हो कि कैसे आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप जाके उस पर क्लिक करें या आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और मैं आपको हेल्प करूंगा आपके बिजनेस में। डन, ऑलराइट, सो दैट वाज माय स्टोरी। सो वो स्टोरी टेलिंग हैट मैंने उतार दी है, लेट्स ब्रेक डाउन दिस स्टोरी। हाउ मेनी इफ यू लव्ड इट टाइप लव्ड इट, इफ यू लव द स्टोरी टाइप लव्ड इट। ये जो कहानी थी ये एक्चुअल स्टोरी है, ये एक्चुअल कहानी है, ये एक्चुअल एक मोमेंट आया था मेरे लाइफ में जब मैं बहुत ज्यादा डाउन था, एंड वही कहानी मैंने बताई। नाउ लेट्स ब्रेक डाउन इट एंड लेट्स गो टू दिस शीट। सो आई स्टार्टेड विद अ हुक एंड यू नो साल था 2015। आई एम गोइंग टू टेल अ स्टोरी, ये मैंने बताया, मैं आपको एक कहानी बताने वाला हूं। साल था 2014। ऑलवेज स्टार्ट विद अ ईयर, कहां से आपने स्टार्ट की अपनी कहानी, जो भी कहानी आप बता रहे हो उसका पूरा फ्रेम बता रहा हूँ, कैसे स्टोरी टेल करते, कैसे एक कहानी बताते। स्टार्ट करें हमेशा एक साल से, जिस साल की बात करें। दूसरे स्टेप पे आपको बताना है अब फ्रेम बाय फ्रेम जाएगी कहानी। मैंने अपनी सिचुएशन तब तक की बताई और उसके बाद फ्रेम बाय फ्रेम मैंने बताना शुरू किया। फिर मैं रास्ते में ही था, घर उतरा, सब लोग देख कर बहुत खुश थे। उसके बाद मैं बैठा ही था, नाश्ता आया, हम नाश्ता कर रहे थे और फिर पापा ने पूछा वो सवाल। तो मैंने लगभग 5 मिनट पहले क्या हो रहा था मेरे साथ, उस मोमेंट से पहले मैंने बताना शुरू किया। तो वो 5 मिनट पहले फ्रेम बाय फ्रेम, और स्लो जा सकते हो और स्लो जाओ, तो आप देख पा रहे होगे कि मेरे साथ क्या हो रहा था, अपने अपने इमेजिनेशन में आप देख पा रहे हो। और स्लो जा सकते हो और स्लो जाओ, जितना आप फ्रेम बाय फ्रेम जा सकते हो उतना पावरफुल आप स्टोरी बनाओगे। मैं रिक्शे में बैठा था, रिक्शा रुका, रिक्शे से मैं उतरा, मैंने सामान उठाकर अपने लेफ्ट साइड में रखा, दरवाजे की बेल बजाई, दरवाजा खोलते ही मम्मी आई, मम्मी ने खुशी से गले लगा लिए। सबसे पहले मैंने उनके पैर छुए, उसका सामान उठाकर मैंने अंदर रखा। मेरे बैठते ही तुरंत नाश्ता सामने आ गया और मेरे पापा भी सामने आ गए। पापा से कुछ बात शुरू हुई थी तब तक उनका सवाल आ गया, बेटा कब तक आओ। अब देख लो जितना फ्रेम बाय फ्रेम आप जाओगे उतना ज्यादा वो रियलिस्टिक लगेगी, उतना ज्यादा आदमी आपकी कहानी में घुस जाएगा, आपको देख पाएगा, कनेक्ट कर पाएगा आपसे। और फिर धीरे धीरे लीड किया मैंने कुछ पे, वो इमोशनल मोमेंट, वो जो एक प्रॉब्लम, वो जो एक इमोशनल मोमेंट था, जो सबसे बुरा एक वो क्षण था जब मैं चिल्ला पड़ा अपने पापा को, और इतना बुरा चिल्लाया कि मेरे खुद के हाथ पर अकड़ गए, मुझे नर्वस ब्रेकडाउन हो गया, मैं वहीं गिर पड़ा। एंड दैट वॉज अ वेरी सैड मोमेंट, वेरी इमोशनल मोमेंट। मैं वहां तक गया और उसके बाद देखा आपने कैसे मैंने एस्केलेट कर दिया। उस दिन मैंने डिसीजन लिया एंड ऑन एंड ऑन, तो मैंने एस्केलेट कर दिया उसके बाद वो स्टोरी। उसके बाद मैं फ्रेम बाय फ्रेम नहीं जा रहा था, उस मोमेंट तक मैं फ्रेम बाय फ्रेम गया, वो मोमेंट आया उसके बाद तुरंत हीरो जर्नी पे आ गए। या और आज मैं जो कुछ कर पा रहा हूं, जैसे मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं, उसकी पूरी कहानी बता दी। और तुरंत मैंने बताया कि मैंने लेसन क्या सीखा, कि मैं अपने आप को कमिट करूंगा और ऐसे और किसी की लाइफ में ऐसी सिचुएशन नहीं आने दूंगा, मैं हेल्प करूंगा और सारे लोगों की, 10,000 लोगों की हेल्प करूंगा। सो आई क्विकली केम टू दैट एंड देन आई गेव अ CTA। CTA क्या दिया मैंने, कॉल टू एक्शन, कि अगर आप मेरी कहानी से कनेक्ट कर पाए और आप सीखना चाहोगे, आप एक रेस्टोरेंट ओनर हो, आप सीखना चाहोगे कि बिजनेस कैसे करते हैं, तो मैंने एक प्राइवेट ग्रुप बनाया है, एक VIP ग्रुप बनाया है, एक प्रीमियम ग्रुप बनाया है, जितना उसको लिक्विडेट कर सको, जितना उसको एक्सपेंसिव बना सको, और उस ग्रुप में आप ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं गलती से बोल दिया था कि आप लिंक पे क्लिक करें, लिंक नहीं देना है, क्योंकि लिंक पे कोई भी क्लिक करके आ जाएगा फिर कुछ भी करेगा। आप उसको बोलो कि आपको मैसेज करें, और मैसेज में भी आपको उससे पूछना है कि क्यों जुड़ना चाहते हो। क्या अक्सर क्या होता है, हम
जो इस वर्ल्ड में जी रहे हैं, हम हमेशा देखते हैं सोशल मीडिया पे लोग अपने बारे में अच्छा अच्छा बता रहे होते हैं। गाइस, आप लोगों को अपने बारे में अच्छा बता के उतना अपना नहीं बना सकते जितना अपने बारे में बुरा बता के अपना बना सकते, अपने कमजोर मोमेंट बताकर अपना बना सकते। और जितने लोग आप अपने बनाओगे ना, उतना ज्यादा आप बेच पाओ। आप, मैं नहीं चाहता मेरे स्टूडेंट खासकर इस मोड में जाए कि नहीं आई एम परफेक्ट। नोबडी इज परफेक्ट ब्रो, डोंट पोर्ट्रे योरसेल्फ एज परफेक्ट कि मेरी लाइफ देखो अमेजिंग है। नहीं, हो सकता है आज अमेजिंग हो, हमेशा से नहीं थी, मैं तो बचपन से टैलेंटेड। नहीं, बताओ कि आपकी क्या सैड स्टोरी थी, बताओ अपने वो कमियां, वो गलतियां, वो जब आपने चोरी की, वो जब आपने झूठ बोला, वो जब आप चिल्लाए, वो जब आपको मार पड़ी, कुछ भी। टॉक अबाउट दैट, वल्नरेबल। जितना खोलोगे अपने आप को, दुनिया उतना आपको स्वीकार करेगी, क्योंकि हर कोई इम्परफेक्ट है। जब आप बताते हो आप परफेक्ट हो ना, उल्टा लोग आपसे रिलेट नहीं कर पाते, क्योंकि यार ये तो परफेक्ट होगा, मैं कहां से करूंगा, कोई आपसे नहीं खरीदेगा। जितना आप उनको परफेक्टनेस अपनी कम बताओगे, इम्परफेक्टनेस अपनी बताओगे कि हाँ मैं भी अटकता हूँ, पहला वीडियो बनाया था मुझे भी टाइम लगा था, मैं भी घर वालों से फ्रस्ट्रेट था एक टाइम पे। जब जितना आप अपनी कमियां बताओगे, अपनी गलतियां बताओगे, उतना ज्यादा आप लोगों को अपना जैसा फील कराओगे, और उतना लोग आपसे मिलेंगे, घुलेंगे आपके साथ। तो वो फेक इमेज में मत जाओ। मैंने भी ये गलती की है बाय द वे। मैं क्यों बता पा रहा हूँ, क्योंकि शुरुआत में ये बात मुझे समझ में नहीं आई। मैं चाहता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को ये बात शुरू से समझ में रहे। शुरुआत में मुझे लगता था कि अगर मैं बहुत सक्सेसफुल दिखूंगा तभी मुझसे लोग खरीदेंगे। उल्टा होता है, आप बहुत सक्सेसफुल दिखोगे, लोग कहेंगे यार ये तो पैदाइशी जीनियस है, हम नहीं कर पाएंगे, राइट, और लोग आपसे नहीं खरीदेंगे। उल्टा होता है। तो उनको बताओ मैं भी ऐसा नहीं था गाइस, मेरे साथ क्या हुआ, क्योंकि हमेशा कोई भी ऐसा नहीं होता। मैं सच में ऐसा नहीं था, मैं सच में एक इनविजिबल किड था। जब मैं स्टूडेंट था तो मेरे कभी मैं टॉप नहीं किया, कभी मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए, हमेशा मुझे पढ़ाई के लिए मारा गया है, हमेशा मार पड़ी है पढ़ाई के लिए, डांट छोड़ो, बताऊंगा नहीं किसने मारा पता तो हो गई। सो नाउ मैं क्यों बता रहा हूँ ये, क्योंकि ये इमोशनल मोमेंट जब आप शेयर करोगे, जब आप अपनी कमियां बताओगे, लोग आपसे रिलेट करेंगे, आपके बन जाएंगे। गाइस, मैं आपको कम्युनिटी बनाना सिखा रहा हूँ। तो जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि लास्ट में आपके लिए गिफ्ट है, गिफ्ट मैंने दो इस बार प्रॉमिस किया आपको। ये पहला, मैंने एक फेसबुक ग्रुप बनाया जिसका नाम है क्लाउड किचन लीडर्स। इसमें जितने भी क्लाउड किचन के टॉप मोस्ट लोग हैं उनको मैं वेलकम कर रहा हूँ, या जो क्लाउड किचन स्टार्ट करना चाहते हैं। अगर आप ऐसे इंसान हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, यहाँ स्क्रीन पे भी आ जाएगा। इस लिंक को आप एज इट इज टाइप करें या डिस्क्रिप्शन में जाकर क्लिक करेंगे तो आपको फेसबुक ग्रुप क्या एक्सेस मिल जाएगा। प्राइवेट ग्रुप है, सबके लिए नहीं है, तो आपको एक फॉर्म पूछा जाएगा, फॉर्म भरिएगा, देन ओनली यू कैन बी पार्ट ऑफ दैट ग्रुप, पहला। दूसरा, मैंने एक व्हाट्सएप का वीआईपी ग्रुप बनाया है। अब ये वीआईपी ग्रुप किस चीज का है, ये सिर्फ सिलेक्टिव लोगों का है, क्योंकि आपको पता है व्हाट्सएप की लिमिट कम होती है, भर जाएगा। इसका भी लिंक यहां पर डिस्प्ले हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो व्हाट्सएप का जो लिंक है उस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको WhatsApp के ग्रुप में ले जाएगा, जहां पे मैं सारी इंफॉर्मेशन अपडेट्स देता हूं। अगर मैं प्राइवेट सेशन करता हूं क्लाउड किचन ओनर्स के लिए, तो ये सारा एक्सेस आपको यहां मिल जाएगा। और Facebook ग्रुप पे आपको बहुत सारी नॉलेज और इंफॉर्मेशन मिलेगा क्लाउड किचन से रिलेटेड, और मैं बात करता हूं Facebook ग्रुप पे, आपसे इंटरेक्ट करता हूं, आपसे सवाल भी पूछता हूं, आपको रिप्लाई करने के लिए भी बोलता हूं कमेंट में। इस वीडियो पे भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा, और अगला आप क्लाउड किचन से रिलेटेड कुछ अगर सीखना चाहते हो या जानना चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपका कमेंट बेस्ट लगेगा तो मेरे पास और भी बहुत गिफ्ट हैं, आप समझ रहे हो ना मेरी बात। सो प्लीज जरूर करें। आपके हर एक कमेंट्स को मैं बहुत ध्यान से पढ़ता हूं और आगे भी पढ़ता रहूंगा, कोशिश भी करता हूं मैक्सिमम लोगों को रिप्लाई करने की, कई बार नहीं भी हो पाता है लेकिन स्टिल मेरी कोशिश पूरी रहती है। सो हर बार की तरह अच्छे सवाल पूछने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, हमारे वीडियोस को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, हमें मोटिवेट करने के लिए, थैंक यू सो मच।